हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर देखें या कोई भी एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि जो भी एग्ज़ाम की डेट होती है उससे 20 से 25 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड का जो एप्लीकेशन होता है, यानी कि जो आपका फॉर्म भरा हुआ है या एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है, वो देखने को मिलता है। उसके बाद एग्ज़ाम से 10 से 12 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड की सिटी, यानी कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, किस डेट में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, ये मालूम होता है। और एग्ज़ाम से ठीक 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है प्रॉपर एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर मिलता है, इसमें एग्ज़ाम की शिफ्ट वगैरह लिखी होती है, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह आपको दिखा दिया जाता है। तो वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब कब आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, एग्जाम डेट एसएससी सीजीएल टीयर 1 की ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जिसकी एग्जाम डेट है 14 से लेकर 27 जुलाई। तो अगर हम उस 14 जुलाई से देखें तो 14 से जुलाई से अगर हम 20 दिन पीछे जाएं तो लगभग 24 से 25 जून के आसपास वो समय होता है जिस समय आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा। ये अलग अलग रीजन वाइज आता है, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते रहता हूँ और यहाँ वीडियो के माध्यम से भी बताते रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जैसे ही इसकी कोई भी अपडेट आएगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एप्लीकेशन स्टेटस से रिलेटेड, तो वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर जाएंगे तो एक और चैनल का लिंक मिलेगा जहां पर मैं एसएससी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालते रहता हूं, पूरे बहुत प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडीएफ टीसीएस के द्वारा पूछे गए, बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। तो 20 से 25 दिन पहले बताया एप्लीकेशन स्टेटस आपको देखने को मिलता है, यानी कि आज हो चुकी है 25 जून, आज है संडे और कल से शुरू होगा मंडे यानी 26 जून। तो कल से जो हफ्ता है इसमें आपको कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है शो होने को मिल जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। कई बार एसएससी ऐसा करता है कि बिना एप्लीकेशन स्टेटस के वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी करता है, ठीक है। तो कल से जो हफ्ता आएगा उसमें एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक वो 1 जून लग जाएगा आपका, 3 जून को पड़ेगा आई थिंक, तो उस हफ्ते में आपका एडमिट 3 जुलाई को पड़ेगा। एडमिट कार्ड की जो सिटी होगी, जो आपका कहाँ पर एग्जाम सिटी पड़ी हुई है, किस डेट में पड़ी हुई है, वो आपको 3 जून वाले जो हफ्ता आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड है वो आपको 10 जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। वैसे 4 दिन होते हैं तो 10 जुलाई को ही आपको या 9 जुलाई को भी इवन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो पूरा रहने वाला है। और दोस्तों एक बात और, एक और अपडेट आपके लिए कि बहुत कम समय बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको सिलेक्शन लाएंगे। अब बिल्कुल मतलब टाइम है कि रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो जिसके लिए आप टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, इसमें अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें जो 399 का, जो 499 का पास होगा आपको 399 में मिल जाएगा। और अगर मेरा कूपन कोड V1NW47 डालेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आप ईयरली टेस्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए एसएससी सीजीएल के, और टोटल इसमें एसएससी की 881, केवल सीजीएल के बता रहा हूँ, 881 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रो मिलते हैं और उसको कई बार आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं वो सारे इसके अंदर मिलते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम, जैसे अभी सीएचएसएल आने वाला है, एफडीएस आने वाला है, टीयर 1 टीयर 2, पूरा डिस्क्रिप्टिव वगैरह तक का पूरा कंटेंट इसमें आपको मिल जाता है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। तो जल्दी जाइए इसे परचेस कर लीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और कूपन कोड ध्यान रखना B1NW47 डालना है। तो जाइए जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लीजिए, मॉक दीजिए, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दायर मिले। जैसे ही एडमिट कार्ड से कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।